स्टूडेंट्स वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट फुटबॉल में है और जो बच्चे फुटबॉल में महारत हासिल रखते हैं या इसमें उनका इंटरेस्ट है तो टूर्नामेंट होने जा रहा है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सर्कुलर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये DOE की तरफ से सभी हेड ऑफ ऑल स्कूल्स को बोला गया है और ये दिल्ली की बात की गई है कि जो टूर्नामेंट होने जा रहा है तो जितने भी स्कूल्स हैं वो अपनी एक टीम जो है वो एक फॉर्मेट के अंदर ये फॉर्मेट दे रखा है, इसमें अपनी जो टीम है वो आगे भेज सकते हैं, फिर वगैरह प्रैक्टिस होगी, उनके टेस्ट होंगे, उसके बाद सिलेक्शन होगा, ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें ना कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एक तो सब जूनियर वाला, इसमें बॉयज़ अंडर 14 होंगे और जूनियर बॉयज़ होंगे जो अंडर 17 है और एक जूनियर गर्ल्स वाला अंडर 17 वाला है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर देखो एज भी बता रखी है। पहले मैं आपको बता दूँ कि जो सब जूनियर है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लोकप्रिय में बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया कि स्पोर्ट्स ब्रांच डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज प्री सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट विद रिस्पेक्ट टू 10th अगस्त 2022 ऑनवर्ड, मतलब इस तारीख को या इसके बाद में होगा। सब जूनियर का कहाँ पर होगा, जूनियर का कहाँ होगा और जूनियर जो 17 वाले हैं ठीक है उनका कहाँ होगा, मतलब आप देख लो बॉयज़ और गर्ल्स वाले कौन कौन से हैं। और इसके लिए अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 29 जुलाई से पहले पहले आपको अपनी एंट्रीज भेजनी पड़ेगी। आप नहीं भेजोगे बच्चों, ये स्कूल आपके, आप जो बच्चे सेलेक्ट होंगे ना स्कूल में तो स्कूल भेजेंगे। कहाँ पर भेजेंगे, छत्रसाल स्टेडियम मॉडल टाउन दिल्ली में। और यहाँ बोला गया कि जो एंट्री होगी वो एक परफॉर्मा में होगी जो प्रिस्क्राइब किया गया, मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। और यहाँ पर ड्यूली साइन बाय, जिसमें प्रिंसिपल के साइन भी होंगे, ठीक है। और जितने भी ग्रुप होंगे ना उन सबके अलग अलग होगा, यानी सबको एक में अलग अलग बनेगा उसका। और देखो यहाँ एज भी बता रखे कि वो बच्चा कब पैदा होना चाहिए। देखो अगर वो सब जूनियर बॉयज़ में लेना चाहता है तो वो 1 जनवरी 2009 को पैदा होना चाहिए या उसके बाद। ऐसे जूनियर गर्ल्स के लिए 1 जनवरी 2006 बोला गया है और जूनियर बॉयज़ 17 वाले जो हैं वो 1 जनवरी 2006 बोला गया है। और यहाँ बोला गया द प्लेयर शुड हैव बीन ऑन द रोल ऑफ द स्कूल फॉर एटलीस्ट 2 मंथ प्रायर टू द स्टार्ट प्री सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट। मतलब इसका ये है कि मतलब जिस स्कूल से वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उस स्कूल में कम 2 महीने से पहले उसका उसमें रोल्स होना चाहिए, ठीक है, मतलब एनरोलमेंट होना चाहिए इस तरीके से। और द क्वालिफाइड टीम्स विल पार्टिसिपेट इन द प्रेस्टिजियस सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल। जो क्वालिफाई होगी वो आगे जाएगी सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल में, तो इसलिए इसका नाम रखा गया सब, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ सब या प्री सुब्रतो। प्री मतलब है प्रैक्टिस एक तरह से, तो सिलेक्शन करने के लिए DO की तरफ से ये किया जा रहा है, फिर जो टीम सिलेक्टेड होगी फिर उसे आगे भेजा जाएगा। और भी यहाँ बात बोली गई कि द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल स्कूल्स टीम पार्टिसिपेटिंग इन द प्री सुब्रतो टूर्नामेंट इज मैंडेटरी ऑन द ऑफिशियल वेब पे। देखो अगर कोई भी किसी भी स्कूल से कोई भी टीम अगर जा रही है तो उन्हें सबसे पहले ऑफिशियल वेब पेज पर www.subrutocup.in में रजिस्टर करवाना पड़ेगा, जिसमें 2000 रुपये फीस है, ठीक है। और ईच थ्रू द पेमेंट पोर्टल विच इज इंटीग्रेटेड एट द वेब पेज, और वहाँ पर दिया हुआ है, तो जो भी एक टीम होगी उसके 2000 रुपये हैं, बाकी अगर कुछ और चेंज होता है तो आप वहाँ पर जब साइट पर जाएंगे तो पता लग ही जाएगा आपको, ठीक है। और ये था मेन, मैंने बता दिया आपको कि इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट बिफोर सेंडिंग द एंट्रीज, एक बात बोली गई है कि जब आप फीस वगैरह भर देंगे उसके इसका पूरा जो डाटा है वो भी आपको सबमिट करना होगा साथ में, जब आप एंट्री फॉर्म भरेंगे इस तरीके का जमा करेंगे तो आपके प्रिंसिपल वगैरह करेंगे, स्कूल में जो भी आपके टीचर्स हैं वो वगैरह करेंगे, ठीक है। और अगर जैसे आपके जो टीचर्स हैं उनको किसी प्रकार की कोई असिस्टेंस चाहिए तो इस नंबर पर वो कॉल करके पूछ सकते हैं और जानकारी और ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपसे शेयर कर दी मैंने।
ठीक है। और मैं ऐसे ही स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो लाता हूँ, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर सर।